हाय एवरीवन, आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। आज की इस ब्लॉग के अंदर मैं जाने वाला हूं दोस्तों, हमारे गांव में एक टेंपल है दोस्तों, वो है भोखर वीर महाराज का। दोस्तों आप सामने वो पहाड़ देख सकते हैं, इस पहाड़ के पीछे एक टेंपल है दोस्तों, वो है भोखर वीर महाराज का मंदिर है। वहाँ पर हम जाने वाले हैं आज की इस ब्लॉग के अंदर दोस्तों। पूरा सीन दिखाने की कोशिश करेंगे, हम दो लोग जाएंगे, हमारा एक अंकल का लड़का है, मेरा फ्रेंड है, वो हम दोनों लोग जाएंगे वहाँ पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों के साथ पहुँचाना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं, पूरा सीन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी है हम दोस्तों यहाँ पर इस पेड़ के नीचे, आप देख सकते हैं हमारे गाँव के, हमारे घर के नज़दीक एक वड़ का पेड़ है, यहाँ पर हम अभी रुके हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हमको आटा पीसना है हमारे घर खाने के लिए दोस्तों। आटा अभी खलास हो गया है, जो घंटी के अंदर पीसने के लिए हम ले जाएंगे। अभी गांव में जाएंगे, इसको पीसने के लिए यहां पे रखेंगे और वापस से हम वहां से हम जाएंगे मंदिर भोखर वीर महाराज। चलिए गाइस, पूरा सीन दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहे इस ब्लॉग को, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए, यहां से हमारी बाइक खड़ी है और चलिए हम अभी निकलते हैं। चुके हैं यहाँ पर गांव में दोस्तों। यहाँ पर मैं इस गेहूं को यहाँ पर रखता हूँ आटा पीसने के लिए इस घंटी के अंदर। फिर निकलते हैं हम दोस्तों भोखर वीर महाराज मंदिर के लिए। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रखने के बाद, आटा पीसने के बाद हम घर ले जाएंगे, वापस आएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो दोस्तों मास्क लगाना दोस्तों जरूर। मास्क हमने लगा दिया है गाइस, आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं भोखर वीर महाराज मंदिर के लिए, यहाँ पर रवाना हो गए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे गाँव का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और चलिए गाइस, मैं आपको भोखर वीर महाराज जाके मैं आपको पूरा
फाइनली दोस्तों वहाँ पर इस टेम्पल पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर भोखर वीर महाराज का मंदिर था। वो सामने आप उस झाड़ियों में देख सकते हैं, वो रहा मंदिर और वहाँ जाएंगे हम। और जाने के बाद पूरा सीन दिखाने की कोशिश करेंगे, कैसा मंदिर है, किस तरह का सा सीन है, सारा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी है और यहाँ एक वड़ का पेड़ है और सामने भी एक वड़ का पेड़ है और हमने यहाँ पर इस बाइक को खड़ी करी है और सामने वो आप देख सकते हैं झाड़ियों के अंदर वो मंदिर है। तो चलिए हम जाते हैं वहाँ पर, आपको पूरा सीन दिखाने की कोशिश करते हैं, कैसा मंदिर है, क्या सीन है यहाँ पर भोखर वीर महाराज का। और ऊपर एक आप पहाड़ देख सकते हैं, इस पहाड़ के ऊपर भी एक मेन स्थानक है जो उस भोखर वीर महाराज का, और नीचे उसका मंदिर है। जो लोग ऊपर नहीं जा सकते वो यहाँ पर आते हैं और ऊपर जा सकते हैं वो भी, ऊपर ही एक मंदिर है और वहाँ पर भी लोग जाते हैं। दोनों सेम ही मंदिर है और नीचे जो लोग पर्वत पर चढ़ नहीं सकते वो यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए और वहाँ पर भी ऊपर भी जाते हैं। जो दिवाली होती है, कोई त्यौहार होता है, इसी समय वो ऊपर जाते हैं लोग। तो चलिए गाइज आपको दिखाते हैं यहाँ पर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर पे। हम भोखर वीर महाराज मंदिर आपको दिखाना चाहते थे। आप दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रहा भोखर वीर महाराज का मंदिर। और फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका एक मंदिर है इस पत्थर के नीचे और ऊपर भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके भी ऊपर एक मंदिर है। वो दोनों ही सेम ही मंदिर है, लोग यहाँ पर भी आते हैं, ऊपर भी जाते हैं। तो पूरा सीन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, चलो मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये दोस्तों मिट्टी के घोड़े हैं दोस्तों, और लोग उसको यहाँ पर चढ़ाने के लिए आते हैं दोस्तों, मिट्टी का घोड़ा। और आप देख सकते हैं ये दोस्तों मिट्टी का सारा बना हुआ है, वो मिट्टी का ही घोड़ा है और उसको यहाँ पर चढ़ाया जाता है मान्यतर करके दोस्तों। यहाँ पर जो भी दोस्तों मान्यतर होता है वो यहाँ पर घोड़ा चढ़ाने के लिए यहाँ पर मिट्टी का घोड़ा ही इसको चढ़ाया जाता है। और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है, उसकी चामड़ी यहाँ पर तोरण करके यहाँ पर रखा जाता है दोस्तों। जो बकरे की बलि चढ़ाकर यहाँ पर उसकी चामड़ी है उसको यहाँ पर इस तरीके से बांधा जाता है। तो दोस्तों ये रहा पूरा के पूरा सीन, आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिया भोखर वीर महाराज मंदिर का, आपको पूरा सीन दिखा दिया और इस तरीके का वो मंदिर था। पूरा सीन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचाना।